सोलन शहर के वार्ड नंबर 1 में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र ठाकुर को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। बुधवार को उन्होंने इस वार्ड के तहत पड़ने वाले विकास मोहल्ले का दौरा किया, जहां पर लोगों ने उन्हें विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। साथ ही उन्हें लोगों ने समर्थन देने की बात भी कही। भूपेंद्र ठाकुर के अनुसार वे इस इलाके की सभी समस्याओं को पहले से ही भली भांति जानते हैं और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इन समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने जनता से अपने लिए समर्थन मांगा। हमने आज विकास मोहल्ले में और पाइन स्टेट में प्रचार किया और यहाँ पे लोगों की समस्या सुनी हमने। तो एक तो यहाँ पे रजनी जी है, उनके घर में यहाँ पे जो सीवरेज का पानी लीकेज होती है, तो हमने उनको आश्वासन दिलाया है कि हम उसको ठीक करेंगे, क्योंकि सीढ़ियों से और जो सीवरेज की पाइपलाइन यहाँ पे टूटी है उससे उनकी दीवारों से अंदर घर में वो पानी आ रहा है। तो हमने उनको आश्वस्त किया है कि हम उसको तोड़ के दीवार से यानी कि उसमें सीवरेज की पाइपलाइन डालेंगे, चैम्बर्स बनाएंगे और सीढ़ियाँ दीवार से मेंटेन करेंगे ताकि उनकी ये समस्या दूर हो सके। और यहाँ पे लोगों की समस्या है पार्क की, बच्चों को खेलने के लिए और बुजुर्गों को बैठने के लिए पार्क नहीं है, तो वो भी हम यहाँ पे इनके लिए बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। और एक फुट ओवर ब्रिज जो रेलवे लाइन क्रॉसिंग के लिए है वो भी किया जाएगा, और पानी की समस्या है वो भी इनकी पूरी की जाएगी। उसके लिए हम ऊपर बाबा बालकनाथ मंदिर के पास जो छोटा टैंक है अभी उसको बड़ा किया जाएगा ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो सके और यहाँ पे डेली की सप्लाई दी जा सके। बाकी स्ट्रीट लाइट्स की है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगवाई जाएगी और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी फिट करवाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भारी लोग हैं चेन स्नैचिंग का, जो चोर वगैरह भी यहाँ पे आते हैं, तो सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। यहाँ पे जो है रेलवे की जो लैंड है, तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ प्रोविज़न नहीं हो सकता है क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की यहाँ पे ज़मीन भी नहीं है। हाँ, जो दुकान जो यहाँ के जो लोग हैं जो रेड़ी फड़ी वाले हैं जिनके रेड़ी का लाइसेंस बना हुआ है, तो उनके लिए गुरुद्वारे के पास वहाँ पे 120 दुकानें तैयार की जा रही है, तो इनको भी उसका फ़ायदा दिया जाएगा। और यहाँ के जो लोग हैं जिनके पास रेड़ी का लाइसेंस होगा वहाँ पे उनको दुकान अवेलेबल करवाई जाएगी।